मगर सलमान खान को 20 साल की लड़की के साथ हीरो बन के आना है तो उसको सब कुछ करना पड़ेगा यार, ताकि वो हीरो लगे, नहीं तो बाप लगेगा। तो हाँ, मैं तुम्हें एक्सपोज करूँ और हिम्मत है तो सामने लाऊं। ये अगर किसी और कंट्री में ये लोग होते, आज ये अरेस्ट हो चुके हैं। इवन डेज पे ये बंदा बताता है कि यू हैव टू डू ब्रह्मचर्य, ठीक है सर। देन ऑन ऑड डेज वो आपको बताता है आप लड़की कैसे पटाए। Has any celebrity or Bollywood actor or actresses ever contacted you for their transformation? Yes, there have been some from South. There have been some actors, not very big actors, because Delhi side pe na actresses bahut rare hai. Most of them are in Mumbai. And देखो पहली चीज तो ना, don't call them celebrities. They're actresses. Okay. In this country, I'm not saying actresses cannot be celebrities, but there are very few of them which are celebrities, जिनको तुम celebrate करो, उनकी success. Rest of them, उनके लिए अभी for example हर field में, जैसे if you get into science, जो top scientists हैं इस country के ना, they are the real celebrities, right? Because they are, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हर student ने जो 11th में science ले ली वो celebrity बन गया. Understand? Similarly, when you talk about doctors, so medical students are not celebrities, but top surgeons, top doctors, ठीक है, who have done years of contribution, they are celebrities. Similarly, when you talk about the field of acting, everybody coming in is not a celebrity. They are just actresses. They are trying to establish themselves. उनकी कोई भी major contribution नहीं है. किसी के पापा जी एक्टर थे, उसकी बेटी को अगर एक्टिंग मिल गया तो उसमें उसकी कोई contribution नहीं है. हाँ, उसके बाद अगर वो अपनी एक्टिंग स्किल से she makes a name, then she will eventually become a celebrity. So, you know, some very senior actors with a lot of contribution, they can be called celebrities. Lot of great actors. इनकी बात नहीं कर रहा हूँ. I'm not talking about the commercial law. I'm talking about people like, you know, Manoj Bajpayee, Nawazuddin Siddiqui, Irrfan Khan. These are the people I like, right? So these are celebrities. जिनको जिनसे तुम सीख सकते हो. You know, अगर मैं in fact बोलता हूँ, ये जो stupid सी movies आती हैं कि मुझे समझ नहीं आता यार, तुम्हारी इंडस्ट्री में ऐसे बंदे बैठे हैं कि जाके पैर क्यों नहीं पकड़ लेते कि सर हमें सिखाओ एक्टिंग. तो इनको तो एवरी फील्ड हैज सेलिब्रिटीज एंड मोस्ट ऑफ देम यू आर टॉकिंग अबाउट. यू कैन हियर मी? यस सर, आई कैन हियर यू सर. ओके, सो व्हेन यू टॉक अबाउट एक्टर एक्ट्रेसेस, देयर आर सम एक्टर एक्ट्रेसेस जो दिल्ली में हैं, ठीक है, छोटे बड़े नहीं. देख, अगर वो मेरे जिम में आया, वैसे उन्होंने मुझे अप्रोच किया ऑनलाइन Genesis के through, या there are some people from the south who have approached me, ठीक है, but I tell them very realistically कि भाई तुम्हें चाहिए क्या. And not everybody, but most of them want very fast transformation. और मैंने पहले ही बताया है कि it is not their fault. If Shahrukh Khan at age of 50+ wants to get six pack because some stupid people outside want to, because उसको लाने पड़ेंगे यार, उस बेचारी की रोजी रोटी का सवाल है ना, तो उसको वो ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा. वो नहीं करेगा तो he will be out of the trend. राइट, तो उससे क्या उनको करना. अब वो 50+ ईयर्स की एज में, 55 साल की, 60 साल की उम्र में तुम कैसे सिक्स पैक आप ले आओगे नेचुरली, बताओ. और स्पेशली तब जब तुमने जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं करा, तो फिर इनको एनाबॉलिक्स लेने ही पड़ते हैं इस टाइम. तो वैसे नॉर्मल आदमी को सपोर्ट नहीं करती है यार नॉर्मल, बिकॉज योर टेस्टोस्टेरोन लेवल इज सो डिप. तो इनको ग्रोथ हार्मोन के और ये लेने ही पड़ते हैं. अब अगर सलमान खान को 20 साल की लड़की के साथ हीरो बन के आना है तो उसको सब कुछ करना पड़ेगा यार, ताकि वो हीरो लगे, नहीं तो बाप लगेगा. एक्सेप्ट थोड़ी ये लोग हम हीरो नहीं है आप, लेकिन उनको रोजी रोटी है, तो उनको कुछ भी करना पड़ेगा. प्रॉब्लम ये है कि पीपल डोंट नो वो कर क्या रहे हैं, और वो उनको फॉलो कर, उनको लगता है यार ये देख इसने क्या ट्रांसफॉर्मेशन करी यार, मैं भी करूं, ठीक है. और फिर वो जिम में बैठे होते हैं, हाँ बना देंगे, ऐसा करते हो जाएगा. और यूट्यूब पे अभी एक मूवी आई नहीं होती, मतलब अगर ऋतिक रोशन की मूवी आ गई, विद्युत जामवाल की मूवी आ गई, नो जिसमें दे हैड अ वेरी गुड फिजिक, दे वर्क फॉर इट, या दे टुक एनाबॉलिक्स और डिड नॉट टेक, डजंट मैटर. उसके बाद अगले दिन YouTube पे वाज ही नेचुरल और नॉट नेचुरल, व्हाट वाज हिज डाइट, व्हाट वाज. यस, और इसमें व्यूज आते हैं क्योंकि दिस इज व्हाट यंगस्टर्स वांट. उन्हें ये थोड़ी सीखना है कि फिटनेस क्या होती है, फिटनेस साइंस क्या होती है, न्यूट्रिशन साइंस क्या, उन्हें कोई मतलब नहीं. राइट, तो यही है, और ये हर फील्ड में है. यू आर वॉचिंग मोर फिटनेस वीडियोस, That's why you know, अगर बाकी वीडियोस देखो तो हर जगह यही मनी की फील्ड में देख लो, पीपल मेकिंग यू मिलियनर रात में, ठीक है. Yes, sir. जितने सेल्फ हेल्प गुरु बने हुए हैं सारे के सारे, ठीक है, देन अगर आप किसी भी फील्ड में देखें, म्यूजिक की फील्ड में देख लो, वेयर आर द रियल सिंगर्स? कुछ समझ में आ रहा है? यू हैव मनी, कोई बात नहीं, यूट्यूबर हो तो क्या हुआ, चलो सिंगर भी बन जाते हैं, क्योंकि करना ही कुछ नहीं है, टैलेंट वो क्या होता है, सिंगिंग वो क्या चीज है, रियाज, नॉलेज ऑफ सिंगिंग, ठीक है, पता ही नहीं, कुछ नहीं आता, चलो रैप कर लेते हैं, तो बस बन गया, ठीक है। एंड आजकल की स्टूपिड जनरेशन जो ऐसे लोगों से ब्रेन वॉश्ड है, उनको रियल सिंगिंग का मतलब ही समझ नहीं आता। When was the last heard a good song by Arijit Singh or Sonu Dega, Abhijeet and all, शान? कहाँ पे हैं singers? कौन आ रहे हैं? मतलब कोई भी ऐसे बहुत अमेजिंग वीडियोस बनाई है यंगस्टर्स ने एक्सपोज करते हुए कि किस तरह यू सिटिंग इन योर प्लेस राइट नाउ कैन मेक अ रैप। इफ दिस इज व्हाट रैप इज, नो, वो असली रैपर्स जो है ना बेचारे वो भी परेशान है ऐसे, क्योंकि ये चीजें फैल रही है, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज में रेगुलेशन। सर, इसी के रिलेटेड एक और चीज है कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, कुछ हमारे YouTube पे कुछ आयुर्वेदा का ज्ञान लेके आ जाते हैं, एंड देन दे गिव यू सम सॉर्ट ऑफ डाइट प्लान अकॉर्डिंग टू यू, दोष, पिता दोष, आई डोंट नो द नेम्स, मैंने उतने डिटेल में नहीं देखा, बट वो ऐसे ही दोष ले लेके आपके लिए बड़ी अच्छी आयुर्वेदिक डाइट्स लाते हैं। अगर आपको ये है, आप अपनी शरीर की गर्मी इससे निकाल सकते हैं, आप अपनी बॉडी डिटॉक्स करना चाहते हैं, आप ये कर सकते हैं, अगर आप मेरी ये डाइट फॉलो करोगे 100% आपका फैट लॉस हो जाएगा, मुझे नहीं पता आपकी हाइट कितनी, मुझे नहीं पता आपका वेट कितना है, मुझे नहीं पता आप कितनी कैलोरीज चाहिए डेफिसिट में रहने के लिए, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर आप मेरी डाइट खाओगे तो आपका फैट उतर जाएगा एक हफ्ते में मैं उतार के बताऊंगा। तो सर, इन लोगों की मेंटालिटी की वजह से ना, कल जो क्वेश्चन पूछेगा उसको तो कुछ नहीं कर सकते, बट यूजुअली मेजोरिटी ऑफ द पीपल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज पीपल। तो सर, व्हाट डू यू वांट टू, हाउ मेनी पीपल आर वाचिंग सच ऐसी वीडियोस पे कितने व्यूज आते हैं? सर, मिलियंस में आते हैं। तो जब इतने बेवकूफ बनने के लिए हैं, तो ये तो रेडी बैठे हैं बेवकूफ बनाने के लिए। हेरा फेरी देखी थी ना, चिट फंड फ्रॉड, तो बस यही है। देखो, जब तुम्हारे साथ कुछ होगा ना, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया तो लोग उसको नहीं पकड़ेंगे जिसने गलत किया, लोग तुम्हें ही बोलेंगे कि भैया क्या कर लिया अपने साथ, अंधा था क्या, समझ नहीं आ रही थी क्या, बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं थी, किसके चक्करों में पड़ गया। एंड दिस इज, अगर ये योर प्रॉब्लम क्या है, हमारी कंट्री में रेगुलेशंस नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट रूल्स एंड लॉज नहीं है, ठीक है, एंड होपफुली आने चाहिए, बिकॉज यू नो जिस तरह से अभी, जैसे कोरोना अभी शुरू हुआ था लास्ट ईयर, आई रिमेम्बर एवरी सिंगल वो क्या चल रहा था, अभी शुरू हुआ था, और इन सारे चैनलों ने, ये फ्रॉडियों ने वो निकाल दिया थे वीडियो, हाउ टू क्योर कोरोना फ्रॉम आयुर्वेद। अभी किसी को ये नहीं पता ये वायरस आ कहाँ से रहा है, लेकिन इसका क्योर आयुर्वेद में उन्होंने निकाल दिया। और मैंने सारे लोगों से ये पूछा, कौन सी आयुर्वेदिक बुक में 2000 साल पहले कोरोना लिखा था, तेरा दिखाना, या कौन सी आयुर्वेदिक टेक्स्ट में कोरोना का क्योर है, और कैसे हो सकता है? जो वायरस ही अभी आया है ह्यूमन हिस्ट्री में, उसका आयुर्वेद में क्योर, किसी भी चीज में क्योर कैसे हो सकता है? देखिए, इन्होंने वीडियो बनाया और उस पे मिलियंस ऑफ व्यूज आए, वो वीडियोस बैन नहीं हुए। क्यों? क्योंकि अगेन देयर इज नोबडी टू चेक, देयर इज नोबडी टू से एनीथिंग। यही लोग तुम्हारा चश्मा उतार रहे हैं एक वीडियो में, ये लोग तुम्हारी डाइजेशन क्योर कर रहे हैं, मतलब पीसीओडी क्योर, पीसीओडी कर रहे हैं, हाँ, सब कुछ क्योर करते हैं। अगर इनसे पूछो कि तुम्हारी क्वालिफिकेशंस क्या है आयुर्वेद में, मेडिकल, उसमें कुछ नहीं, तो उनसे पूछो कि हाउ कैन यू क्योर अ डिजीज विदाउट एनी क्वालिफिकेशंस और एनी नॉलेज? आंसर इज नोबडी इज चेकिंग, नोबडी इज सेइंग एनीथिंग। ये अगर किसी और कंट्री में ये लोग होते, आज ये अरेस्ट हो चुके हैं। अब अगर तुम इनके अगेंस्ट कुछ भी बनाने की कोशिश करोगे, तो जो अनपढ़ जनता है, जो इनके अंधे चमचे हैं, ठीक है, वो सारे तुम्हारे सामने आ जाते हैं, वो चिल्लाने लगेंगे, अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, अरे आयुर्वेद। उन्होंने खुद आयुर्वेद का ए नहीं पढ़ा। आई हैव मेट मल्टीपल टॉप आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, आई हैव गिवन लेक्चर्स एंड टॉक्स विद देम, आई एम टॉकिंग अबाउट रियल टॉप आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, पीएचडीज एंड पोस्ट डॉक्टर्स, या फिर जो आयुर्वेदाचार्य है, उसमें नोबडी टॉक्स इन सच रबिश मैनर जिस तरह ये लोग करते हैं। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मतलब इफ यू आर अ पेशेंट एंड यू गो टू एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, व्हाट विल यू डू? वो बोलेगा भाई साहब ये रहा मेरा वीडियो, एक वीडियो में देखो मैं क्योर करता हूँ तुम्हारे, बाकी छोड़ो। अरे he will diagnose you, will do testings on you, he may do a blood test of yours, he may check in, and then उसके बाद वो first line of treatment शुरू करेगा। और यहाँ देखो क्योर, राइट? सो ये खत्म इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज जिस दिन यहाँ पे इनके ऊपर किसी ने कंप्लेन कर दिया, लीगल एक्शन कर दिया, ठीक है, इंडिया में तो बाकी कंट्रीज में होती है अरेस्ट हो चुके होते, इंडिया में एटलीस्ट या तो उनकी वीडियोस हटेंगी या इनके ऊपर कोई एक्शन, और वो होना भी चाहिए। अभी मेरी आई थिंक डे आफ्टर टुमारो आई एम रिलीजिंग अ वीडियो ऑन ऑयल पुलिंग अगेन, द सेकंड वीडियो, बिकॉज जितना मर्जी समझा लो, साइंस समझा लो, तो इस टाइम इस बार मैंने सारी रिसर्च स्टडीज और सारा का सारा जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की वेबसाइट पे भी लिखा है, एवरीथिंग आई हैव रेड इट क्लियरली। अब देखना उसमें भी लोगों को बोलेंगे अरे कैसे हो सकता है। मतलब उनको ये बताता दिमाग यहाँ है और कोई बोलता है आयुर्वेद में दिमाग यहाँ नहीं, आयुर्वेद में यहाँ लिखा है, तो वो लड़ने लग जाएंगे, यार भैया आयुर्वेद में यहाँ लिखा है ना, यही लिखा है तो यही दिमाग है। ऐसे पागल है हमारे देश, तो ये प्रॉब्लम है। ये तो बहुत स्मार्ट लड़के हैं, इनको सब पता है क्या बना रहे हैं, किसने बोला इनको नहीं पता, पता तो सब है सर। एंड सर एक और टॉपिक है जो इससे जुड़ा, दैट इज जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ, जिसकी वजह से आई फाउंड योर चैनल, दैट इज ब्रह्मचर्या। ये लोग ब्रह्मचर्या काफी हाई यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं इसको, ब्रह्मचर्या को इस टाइम, और पूरी दुकान बना के रखी है उन्होंने। मतलब ये जो एक चैनल है ना सर, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा उसका, ब्रह्मचर्या का मेन मुझे तो यही लगता है स्पॉन्सर यही है जो करता है। ब्रह्मचर्या क्या साइंस और उसने क्या बना के रखा हो। जब मैं उसका चैनल देखता हूँ ना सर, उस बंदे के दो चैनल, मैं उस बंदे का चैनल देखता हूँ तो मुझे ना ऑड इवन जैसी फीलिंग आती है। इवन डेज पे ये बंदा बताता है कि यू हैव टू डू ब्रह्मचर्या, ठीक है सर, देन ऑन ऑड डेज वो आपको बताता है आप लड़की कैसे पटाए, वो आपको बताता है मेरी लव लाइफ कैसी है, देन ही इज टेलिंग यू दिस। सर व्हाट अकॉर्डिंग टू इज द रीजन कि ये ब्रह्मचर्या जब लोगों को पता है वो क्या है, फिर भी इन बेवकूफों की बातों में आके इतना ज्यादा वो बढ़ कैसे गया, इतना टॉपिक, इतना बर्निंग सेंसेशन कैसे बन गया? यू हैव टू गिव मी 5 मिनट्स आफ्ताब, आई विल जस्ट कम बैक एंड मैं इसका आंसर दे दूंगा, ठीक है? आई विल जस्ट कम बैक। श्योर सर, श्योर सर, ओके या। सो अगर हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं ना, देखो आपको होता है फर्स्टली इट्स अ वेरी डीप कांसेप्ट, ठीक है? ये जो लोग ब्रह्मचर्य कर रहे हैं ना, आई हैव रेड अबाउट these topics years back. अगर right now also I show you the list of books which I'm planning to refer, इन्होंने आदो के नाम भी नहीं सुने, तो जब तक मैंने ब्रह्मचार्य पे तो वीडियो बनाया ही नहीं। लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या है, ये इनको लगता है कि हमें 18 साल में हमने भी एक किताब में थोड़ी सी कोई चीज पढ़ ली और बस हमें सब कुछ, हम इनको लगता है स्वामी विवेकानंद बन गए हैं। एग्जैक्टली, तुम्हारे को चेक करके ना लाखों करोड़ों लोगों में से एक एग्जाम्पल दे देंगे, क्योंकि उसके ये दिस इज द मोस्ट स्टूपिड वे ऑफ टेलिंग, और ये होता है मिसगाइड करना यूथ को। अब 18 साल के बच्चे टॉपिक मिल नहीं रहा तो क्या करें, पूरा चैनल ही ब्रह्मचार्य पे बना दो। उस जिसने चैनल बनाया उसको ब्रह्मचार्य का भी नहीं पता बोल क्या रहा है। लेकिन नोफैप ब्रह्मचार्य में ना तो कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है, ठीक है? इनको कभी ये समझ नहीं आता कि सेक्स एजुकेशन लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी ह्यूमन सेक्सुअलिटी समझना इंपॉर्टेंट है, वो ये नहीं समझेंगे। ये ब्रह्मचार्य में विदाउट अंडरस्टैंडिंग सेक्स आ जाते हैं, अपनी बॉडी के बारे में पता नहीं, ह्यूमन सेक्सुअलिटी के बारे में पता नहीं, लेकिन सीधा ब्रह्मचार्य पे पहुंच जाते। ब्रह्मचार्य तक पहुंचने के लिए यू हैव टू गो थ्रू मल्टीपल स्टेजेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तभी तुम रियल ब्रह्मचार्य के कंसेप्ट को समझ पाओ। और यहाँ पे जिसको देखो नोफैप, 6 महीने से नोफैप चल रहा है, 1 साल से नोफैप। अरे बेवकूफ, 6 महीने 1 साल में अपने करियर पे फोकस कर लिया होता ना तो आज कुछ कर गया होता। Exactly. So all these people making such videos are immature people with the intention is only one, to gain viewers and subscribers. इनका और कोई intention नहीं। They have no intention of giving somebody knowledge. जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सर लेकिन फिर भी इतना ज्यादा इनको हाई क्यों मिल गया हुआ है, जबकि लोगों को पता भी नहीं है यार। ये टॉपिक इंडिया में बिकते हैं, ये इंडिया है। यू आर इन अ कंट्री, व्हेन रोम डू एज द रोमन्स डू, राइट? इफ रोमन्स आर इडियट्स देन यू आल्सो बिकम एन इडियट, राइट? सो इन इंडिया व्हेन पीपल वांट सम स्टूपिड टॉपिक, यू मेक ऑन दैट स्टूपिड टॉपिक। इफ यू डू दैट ऑटोमेटिकली सारे के सारे शुरू हो जाएंगे। तो तुम्हारे को भेड़ चाल क्रिएट करनी है तो तुम्हारे को भेड़ों के आगे घास तो डालनी पड़ेगी ना। उनके आगे अगर तुम मीट डाल दोगे वो नहीं खाएंगी क्योंकि उनका फेवरेट फूड घास है ना। तो तुम्हें घास ही डाल, तो ये घास है, तो भेड़ों को अट्रैक्ट करने के लिए कौन सी घास डालनी, तो ये उनके ऊपर घास डाल। ऐसे स्टूपिड टॉपिक बनाते रहते हैं जो इंडिया में बहुत चलते हैं। इंडिया में ना कई चीजें इंडियंस के लिए बहुत उनको टच कर जाती है, जैसे ब्रह्मचर्य, ठीक है, ह्यूमन सेक्सुअलिटी पे तुम कुछ वो बना दो, ठीक है, मास्टरबेशन पे, तो उनको बहुत अट्रैक्ट करती है ये चीजें, यंगस्टर्स को खासकर इस उम्र में, क्योंकि उनके हार्मोन्स रेज कर रहे होते हैं तो उनको लगता है, क्योंकि एक तो हार्मोन रेज कर रहे जो नेचुरल चीज है, दूसरी तरफ उन्हें कुछ बेवकूफों से सुनने को मिल रहा है कि यार ब्रह्मचार्य करो, तुम्हारे हार्मोन रेज नहीं होने चाहिए, कुछ सब कुछ गलत हो रहा है तुम्हारी बॉडी में। नाइट फॉल, वो एक नॉर्मल चीज लाइक नाइट फॉल, उसे डिजीज बना दो, उसके पीछे सामान बेचो, ठीक है। तो ये सारी बकवास कहाँ चल रही है? ये सारी बकवास यूट्यूब पे चल रही है। इतनी गलत इन्फॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड में किसी कंट्री में नहीं मिलती जितनी इंडिया में मिलती, इतनी रॉन्ग और मिसगाइडिंग इन्फॉर्मेशन। सर जो लोग इसको प्रोपोगेट करते हैं, आप इतना उनको एक्सपोज कर रहे हैं, इतना सही इंफॉर्मेशन उस बारे में दे रहे हैं, हैज एनी गाय फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फाउंडेशन हैज एवर कॉन्टेक्टेड यू कि यार ये क्या कर रहे हो आप, ऐसे नहीं करो, ये वो? आज तक आपको किसी ने ऐसे कॉन्टेक्ट किया फॉर एक्सपोजिंग मी? देखो, देयर आर टू थिंग्स। पहली चीज तो आई डोंट एक्सपोज पीपल, आई एक्सपोज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स। If you check all my videos, I tell why an ingredient does not work, why a supplement does not work, right? Why a concept is being misleading, why this is wrong. But I'm not saying the person is wrong. पहली चीज। Second, अगर वो topic एक बंदा बहुत ज्यादा बना रहा है, जैसे मैंने वो बनाया था ना, lose 40 kgs in 7 days, तो किसी मैडम जी को मिर्ची लग गई। उनको मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि उनको लग गया यार ओ शिट मैं तो पकड़ी गई। अब मैंने उनको चैलेंज किया ओपन, उसके बाद से वो गायब है ना। तो उनकी पूरे के पूरे इंटरनेट पे कोई क्वालिफिकेशंस हैं ना, उनको कुछ किसी को नहीं पता वो कौन है कहाँ है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, कुछ नहीं पता किसी। लेकिन वो खुद को सेल्फ में डाइटेशन बना चुकी है, तो बिकॉज देयर इज नोबडी चेकिंग यू, राइट। इसी तरह से अभी तक ऐसा किसी को लगा नहीं, सुन सारे रहे हैं, उनको पता भी है कि यार हम गलत ही बोल रहे हैं, राइट। अगर वो मेरे सामने आएंगे, उनको लगता है कि उनके लिए मैंने बोला है, तो देखो मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि मैंने 100% उन्हीं के लिए बोला है। अगर किसी को लग रहा है ना कि मैं एक्सपोज कर रहा हूँ और मैं किसी पर्सन को एक्सपोज कर रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि जितने सुन रहे हैं उनको लग रहा है कि मुझे एक्सपोज कर रहे हैं, तो हाँ मैं तुम्हें एक्सपोज कर रहा हूँ। और हिम्मत है तो सामने आओ। अब हिम्मत इनमें है नहीं। जो लोग दूसरे को हार्म करने के इंटेंशन से, उनको बेवकूफ बनाने की इंटेंशन से ऐसे काम करते हैं ना, उनमें हिम्मत नहीं होती, ठीक है। इनको पता है ये क्या कर रहे हैं, राइट। तो अभी तक तो एक ऐसा कोई डायरेक्टली ऐसा तो मेरे पास अभी कोई आया नहीं है। I haven't seen anybody coming in anything. करेंगे बाकी फैक्ट्स ही नहीं सुन तो करेंगे कैसे? जिनको पता लगता है वो ऑटोमेटिकली जाके उनके चैनल पे बोल ही देता है। उस बंदे को पता लग जाता है भैया कुछ शुरू हो गया मेरे अगेंस्ट। लेकिन सर मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया, इन्होंने अब उस पर्टिकुलर टॉपिक को थोड़ा सा कम एग्जैजरेट करना शुरू कर दिया हुआ है। They are not now promoting it too much. जब तक ये बंद नहीं करेंगे ना, तब तक I will not stop. And we have to stop. You cannot. देखो, एक टेररिस्ट अगर किसी को you know he stops 10 people in a month, तो अगर वो 2 को मारना शुरू कर दे तो वो कम टेररिस्ट नहीं हो जाएगा। He has to surrender and say that yes, okay, I am no more a terrorist, I want to be a normal person, okay, and then you can accept, ha yaar this guy is stopped. So this is the same with these people. Yes sir. Sir, ek aur topic hai currently covid ke connection lagta hai. Ye topic kya hua hai ki jab se covid start hua hai na sir, suddenly I have seen people are taking fitness very seriously, and आपका एक जिम का पूरा एक सेटअप है दिल्ली में, तो यू मस्ट हैव आल्सो सीन दिस कि लोग बड़ा जिम को लेके सीरियस हो रहे हैं, जिम ज्वाइन कर रहे हैं। लॉकडाउन में जहां लोगों को बोल रहे हैं अंदर रहो, लोग जॉगिंग करने निकल रहे हैं, साइकिलिंग करने निकल रहे हैं। सर व्हाई पीपल आर टेकिंग फिटनेस सो सीरियस आफ्टर कोविड-19? पहले क्या था, अब क्यों एकदम से लोगों को फिटनेस से इतना प्यार होने लगा? प्यार नहीं होने लगा। इंडियंस को को डंडा चाहिए होता है, हम तभी जागते हैं जब हमारे को ठंडा मिलता है। तो वो कोविड ना हमारे को बहुत नुकसान कर गया है, कोविड इस कंट्री को बहुत हार्म किया कोविड ने, लेकिन कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी। और ये टीचिंग्स ने इंडियन बहुत जल्दी नहीं भूली। लोग इन सब जितने को एवरीबडी यूज्ड टू से द सेम थिंग, प्लीज ईट गुड, प्लीज हैव गुड इम्यून सिस्टम, प्लीज वर्कआउट, एक्सरसाइज करो, बीमारियां कम लगेंगी, तो लोग नहीं करते थे। अब जब उनको समझ में आया कि यार यहाँ तो मरने वाली हालत में आ जाएंगे अगर नहीं करा तो, देन एवरीबडी स्टार्टेड टेकिंग इट सीरियस। तो यू हैव टू शो द एक्सट्रीम समटाइम्स फॉर द पीपल टू रियलाइज कि किसी चीज की इंपॉर्टेंस क्या है। यस सर, बट सर हाउ कैन समवन मेक फिटनेस देयर लाइफस्टाइल? मतलब अब मैं किसी पर्टिकुलर इंसान की कोई डाइट फॉलो करूंगा 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, या मैं सो कॉल्ड बॉलीवुड एक्टर से इंस्पायर होकर उनकी डाइट फॉलो करूंगा कि मेरे 6 पैक एब्स निकलेंगे। इट इज वेरी टेम्पररी। 6 महीना करूंगा, 7 महीना करूंगा, फिर इन द 8th मंथ मैं छोड़ दूंगा और मैं डबल मोटा हो जाऊंगा। बट द थिंग इज सर कि इसको फिटनेस को हम परमानेंट कैसे बनाएं? हाउ कैन समवन जस्ट मेक इट देयर ओन लाइफस्टाइल? नो, देयर इज नथिंग कॉल्ड परमानेंट इन लाइफ। There is nothing permanent in life. If you learn today something and you don't keep on revising it, you will forget it after some time. Right? If I ask you, what did you study in your 12th? You don't remember because you have not revised it. It was only for a short period of time. Similarly, fitness, eating good food is a part of your life. Problem है, लोग इसको अपनी लाइफ से एक अलग चीज कंसिडर करते हैं। यह आपकी जिंदगी का एक पार्ट है। जब इसे नॉर्मल पार्ट कंसिडर करोगे तो उसे नॉर्मल तरीके से परफॉर्म करोगे, उसे हाइप नहीं करोगे। Yes, sir. Sir, अब तो हम बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुके हैं सेशन के। बस एक लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं कि जो भी हमारा यूथ है, स्पेशली 15 से 18 कह सकते हैं, 18-19 साल के बीच में, जो कि बड़ी एक इनकी इम्पोर्टेंट एज है, दे कैन ग्रो दिस टाइम, स्पेशली इंक्लूडिंग मी। अगर वैसे मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बट आई इंडल्ज इन गुड थिंग्स, आई ट्राई टू इंडल्ज इन गुड थिंग्स, नेगेटिविटी से दूर रहना और अच्छी चीजों में इंडल्ज होना। आई हैव लर्न दिस फ्रॉम अ वेरी स्मॉलर एज। बट सर मैक्सिमम मेजॉरिटी देखे तो यूथ बड़े गलत साइड पे होता है हमेशा, ऐसे बाबा जीओं को फॉलो करना, उनके लिए कमेंट सेक्शन में लड़ना, वो जबकि उस बाबा जी को पता भी नहीं है कि आपका कोई अस्तित्व भी है इस दुनिया में, यू आर लिविंग हियर, उसको ये भी नहीं पता है, और आप उसके लिए पागलों की तरह लड़ रहे हैं। तो ये जो इस टाइप का यूथ है, आप इनको क्या मैसेज देना चाहते हो? What do you want to tell them? No, again, I want to tell them the same thing. That study and educate yourself. जब तक education नहीं मिलेगी, जब तक किसी subject को deeply नहीं समझोगे, उसे superficial तरीके से समझने की कोशिश करोगे, तब तक तुम हमेशा एक biased जो है information और knowledge लेके चलो। For example, lot of people, हमारे यहाँ पे क्या होता है, trends के हिसाब से चलते हैं। अच्छा, ये नई डाइट आई है, चलो हम यही करेंगे, दिस इज द बेस्ट डाइट इन द वर्ल्ड, राइट? अच्छा, ये नया आया है, ये स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज जो नई चीजें होती है वो बिकती जल्दी, ट्रेंड सेल करती। बट जो यूथ है हु वांट टू रियली गेट इनटू एनी फील्ड इन देयर लाइफ, कोई भी फील्ड चूज करते हैं, मैं उसमें यही बोलता हूँ, इफ यू वांट टू एक्सेल इन दैट फील्ड देन द ओनली वे यू कैन आउट वर्क समबडी और कॉम्पिटिशन इन अ पर्टिकुलर फील्ड। तो अगर किसी को आउटवर्क करना है, कॉम्पिटिशन को आउटवर्क करना है, तो उसके लिए दो ही तरीके, या तो यू आर बॉर्न जीनियस, जो आप हो नहीं, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आप जीनियस नहीं हो, तो सेकंड ऑप्शन क्या बचती है? द ओनली वे यू कैन आउट रैंक देम और आउट वर्क देम इज थ्रू sheer डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। इतना हार्डवर्क करो, इतने ज्यादा फोकस के साथ उस चीज में घुसो और इतना उसको टाइम दो, उसको इतना डेडिकेटेडली करो कि जो दूसरा बंदा है ना, वो तुम्हारी डेडिकेशन से हार जाए। दैट्स वाई डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क विल ऑलवेज ऑलवेज आउट रैंक टैलेंट। इस दुनिया में वेस्टेड टैलेंट की कोई कमी नहीं। जिन लोगों को बचपन में बोला गया ना, अरे ये तो पढ़ोगे पता नहीं क्या बनेगा, वो कुछ नहीं बनते मैक्सिमम केसेस में। क्यों? क्योंकि वो समझ देते हैं हमारा टैलेंट ही सब कुछ। और वो लोग जिनको बच्चों ने बोला था ना, ये कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक ही चीज के बेस पे सबको आउट रैंक कर देता है एंड ही बिकम सक्सेसफुल। व्हाट इज दैट? शीयर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर फंडा, देन यू विल बी सक्सेसफुल इन व्हाटएवर फील्ड यू चूज। एंड सेकंड, व्हाटएवर फील्ड यू चूज, व्हेन यू गेट इनटू इट, देन बी द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन इन दैट फील्ड। उस फील्ड की इतनी नॉलेज रखो, बी अ मास्टर इन दैट फील्ड। मास्टरी अटेन करने में डिकेड्स लगती है, लेकिन योर एम शुड बी टू अटेन मास्टरी इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, देन यू विल आउटरैंक अदर. दिस इज द the step-by-step process of so-called successful people. That's why it takes time. There is no overnight success. Yes, sir. Thank you so much, sir. I enjoyed a lot. I learned a lot. बहुत कुछ सीखने को मिला सर मेरे को आज. I hope आपको भी शायद मजा आया हो. Yeah. Yes, sir. Thank you so much for coming, sir.